नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्प टूवर में। मैं हूं विशाल और अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट को रजिस्टर करेंगे और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तो मैंने मर्चेंट अकाउंट बना लिया है, तो मैं आपको शुरू से बताऊँगा। पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के दूसरे दिन सुबह में आपका सेटलमेंट आपके अकाउंट में हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट नंबर होना चाहिए रजिस्टर करने के लिए, और एक पैन कार्ड होना चाहिए, और पहले से पेटीएम का अकाउंट बना होना चाहिए, आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिजनेस विथ पेटीएम ऐप के ऊपर पहली बार मैंने इस मोबाइल में इंस्टॉल किया है और अपना लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चुन लिया है। चुनने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर फिर लोकेशन अलाउ मांगेगा, ये फ़ोन कॉल अलाउ अलाउ यहाँ पर हो गया, और अपना मोबाइल नंबर मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, जो पेटीएम का पासवर्ड है सेम वही पासवर्ड आपको डालना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है और सेंड टू ओटीपी, इतना मोबाइल नंबर मेरे ओटीपी, क्योंकि इस डिवाइस में मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है बिजनेस विथ पेटीएम, यहाँ पर अलाउ कर दूंगा ताकि ये ओटीपी अपने आप रीड कर सके। तो यहाँ पर अलाउ करता हूँ मैं, और यहाँ पर अपने आप फिल हो गया और आगे बढ़ जाता हूँ। ये देखिए मैं आगे बढ़ गया। और चलते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो एक्सेप्ट पेमेंट यूजिंग सबसे ऊपर है, जो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट जो ब्लू लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो वहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। और यहाँ पर अपना पैन नंबर, नाम जैसा कि पैन कार्ड पर है, डिस्प्ले नेम मेरा दुकान का नाम, बिजनेस कैटेगरी सब कैटेगरी सब भर लूँगा। और यहाँ पर मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, आप चाहें तो दूसरा अकाउंट भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं किसी भी बैंक का। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर लिया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। बिजनेस रिटेल एंड शॉपिंग है मेरा, सब कैटेगरी मोबाइल एक्सेसरीज है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं साइन अप टू एक्सेप्ट पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए, और मेरा यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट तुरंत अभी अभी बन जाएगा, प्रोसेसिंग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है, ओके गॉट इट। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ ये पेटीएम से स्कैन होगा क्यूआर कोड, तो इसको स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगा। और क्रिएट यूपीआई क्यूआर कोड जो आप सामने देख रहे हैं पहले नंबर पर है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पर डिस्प्ले नेम और मोबाइल नंबर डाल दूँगा। और यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। अब बैक चलता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए मेरा क्यूआर कोड बदल चुका है। और ये कुछ होम इंटरफेस, ये देखिए क्यूआर कोड मेरा बदल गया है एकदम से। ये यूपीआई क्यूआर कोड है, किसी भी यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप से मैं इसके माध्यम से पेमेंट कर सकता हूँ डायरेक्ट पेटीएम के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगने पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए।